तो मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार और जिसका नाम है जी टेक भी। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑनर 7X के बारे में। तो 7X की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, रिव्यू में दे चुका हूँ, आप उसकी वीडियोस आपने देखी होंगी और नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑनर 7X के कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वीडियो आगे तक देखते रहना ताकि आपको ऑनर 7X को खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ऑनर 7X के बारे में सारी चीजें पता चल जाए, जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी खासियतें हैं। तो यहाँ पे मैं ऑनर 7X के तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वीडियो आगे तक देखते रहना, उसके बाद आप बताना कि आपको ये चीजें कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वो होगी इसके कैमरा में। कैमरा डुअल लेंस कैमरा है, बहुत बढ़िया फोटो कैप्चरिंग में, पोर्ट्रेट मोड, सारी चीजें बढ़िया दे रखी हैं, बट आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखी, आप सिर्फ HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो 16000 वाला वेरिएंट है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी इसमें। तो ये इसकी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अगर आप सिर्फ कैमरे के ऊपर फोन लेते हैं तो ये चीज बहुत इश्यू बन जाएगा आपके लिए कि आप इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे फोन में, तो काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है ये चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक इससे भी और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वो होगी इसकी बैटरी। तो बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 3000 mAh की इसमें बैटरी दे रखी है और उसके साथ साथ इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं दिया है। तो पहली चीज, फोन जल्दी डाउन होगा, दूसरी चीज, फोन देर में चार्ज होगा। तो दोनों ही तरफ से ये फोन बैटरी के मामले में या बैटरी चार्जिंग के मामले में बहुत ज्यादा खराब होने वाला है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एक स्मार्टफोन की, या फिर वो चार्ज, अगर उसकी बैटरी लाइफ कम भी है तो वो चार्ज कितनी देर में दे रहा है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है। फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी या टर्बो चार्जिंग होनी चाहिए थी इस फोन में। बाकी फोन काफी बढ़िया, आप काफी सारे नए फीचर्स हैं इस फोन में, इसका UI काफी अच्छा होता है और कई सारे नए फीचर्स हैं, बट ये दो चीजें हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी और आखिरी चीज की मैं अगर मैं बात करूं, तीसरी और आखिरी चीज आप इग्नोर कर सकते हैं, बट आप अगर गेमिंग खेलते हैं, जो इस सेक्टर में लोग होते हैं, जो कि यंगस्टर्स इस सेक्टर में फोन्स खरीदते हैं, जो कि 10,000 से 20,000 के बीच में जो फोन्स लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा फोन इसी सेक्टर में बिकते हैं। हर टाइप का यूजर इस सेक्टर में है, गेमिंग का, ऑफिस वर्किंग का, हर टाइप का। तो ये फोन ऑफिस वर्किंग या सिर्फ कॉलिंग में ठीक है, बट अगर जब आप इस पे गेम्स खेलेंगे तो इसमें आपको लैगिंग जरूर दिखेगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आपको लैगिंग इसमें जरूर दिखेगी, थोड़ी बहुत लैगिंग होगी। लेकिन आप अगर ज्यादा हैवी यूजर है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है, आप इस फोन को इग्नोर कर दीजिए। आप किसी और फोन की तरफ जाइए जिसमें होगा 636 स्नैपड्रैगन 630 या 35, आप उसको जा सकते हैं, उसका प्रोसेसर गेमिंग के मामले बढ़िया होते हैं, आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं और वो बहुत ही बढ़िया रहेगा जो भी उसमें होगा। मैं फोन कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 630 का फोन अभी कोई दिमाग में है नहीं मेरे, और आपके अगर दिमाग में हो तो कमेंट करके मुझे बताना, जो कि गेमिंग के मामले में अच्छा हो, 20,000 की रेंज में हो और गेमिंग परफेक्ट हो जिस फोन की। सो गाइस यही थे कुछ तीन सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ऑनर 7X के जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी फोन बढ़िया 18.9 रेशो के साथ आता है, कई सारे नए नए ऑप्शंस मिलेंगे आपको और स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, बट इसमें आपको जो UI है वो अच्छा है, इंटरफेस अच्छा है फोन का, आपको डुअल कैमरा लेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा 13,000 रुपए में आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है। बट ये कुछ कमियां हर फोन में होती हैं, तो कुछ कमियां इस फोन में भी हैं। फोन बढ़िया, आप जाके परचेस कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं, अगर बैटरी लाइफ की मैं बात नहीं करूंगा, हर बंदे को बैटरी लाइफ की जरूरत पड़ती है, तो बैटरी लाइफ सबसे बड़ा इशू है। बैटरी लाइफ मैं कहता हूँ अगर 3000 भी होती तो भी इसमें फास्ट चार्जिंग देना था, क्योंकि फास्ट चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आज की लाइफ में। किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं कि वो 1 से 2 घंटा अपना फोन चार्ज करे, उसके बाद उसको यूज करे, फिर वो 4 से 5 घंटे में डाउन हो जाए। तो अगर या तो फिर वो उसमें चार्जिंग कैपेसिटी, मतलब चार्जिंग कैपेसिटी उसकी तेज है, तो आप बैटरी बैकअप कम कर सकते हैं, क्योंकि फिर 15-20 मिनट में 50% या 36 जो भी हो जाता है वो हो जाता है और अच्छा सपोर्ट आ जाता है, फिर उसकी वजह से हम इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब उसमें फास्ट चार्जिंग भी नहीं है और उसमें 3000 mAh की बैटरी दे रखी है जो कि पूरे दिन नहीं टिक पाएगी, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो ये थी कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ऑन अ 7X। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से ये सर्कल दबा के इस पे जो सब्सक्राइब लिख के आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी और मेरे बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।